पर सुजाती वो खुशाम दी। आज हम एक भट्टा मजदूरों के पास जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया है कि एक तंजीम ने, जैसा आप जानते हैं कि महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में गरीब लोगों के लिए, खासतौर पर मजदूरों के लिए जो है वो रोजी रोजी बहुत मुश्किल हो गई है। तो हम उस तंजीम के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनको फूड देने का वादा किया। तो आज हम उन भट्टा मजदूरों के पास जा रहे हैं। प्रोग्राम फिज़ा की खुशबू में हम एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। घर से निकलते हुए जैसे मैंने बताया था कि हम उस तंजीम के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये वादा किया है कि जिन एरिया के अंदर हम लोग काम करते हैं तो उनको, जैसे कि आजकल महंगाई का दौर है और जो मज़दूर हैं मज़दूरों के लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो सारी चीज़ों को मैनेज करें, घर के राशन को, इन चीज़ों को। फ्रूट के बारे में तो कभी वो सोच भी नहीं सकते कभी वो फ्रूट भी खा लें, जितनी महंगाई हो गई है। तो इस सिलसिले में ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जिन दिनों में बारिशें होती हैं ना, उन दिनों में इनका काम बंद हो जाता है। उन्हीं दिनों में हम अक्सर देखते हैं कि हर शख्स जो है वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाता है, अच्छी लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो भट्टा मजदूर है इनके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा रहता है। मुझे याद है कि 1999 में जब मैं एक तंजीम के साथ काम करती थी, जस्टिस एंड पीस कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्तान में, तो सरगोधा के एरिया में जब हम गए तो वहाँ पर जो लोगों की सिचुएशन थी, कि वो उनकी बेटियां, उनके बेटे, उन पर इतना कर्जा था कि वो अपने गुर्दे बेचने पर मजबूर थे। तो मैं उस वक्त, तो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे नहीं इन चीज़ों का इतना पता था। डेफिनेटली अभी कॉलेज से हम लोग फ्री हुए थे तो ये सवाल मेरे जहन में ज़रूर था कि ये लोग गुर्दे बेचने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जब बारिशें होती हैं इनके काम बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और जैसे कि आजकल जो महंगाई का तूफान आया हुआ है तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली ये सूद इन पे चढ़ता रहता है। और जब सूद चढ़ता है तो ये लोग, इनको ये अक्सर आपने भी देखा होगा कि कई ऐसी तंजीमें भी हैं जो आज़ाद करवाते हैं ताकि कोई और काम कर सके। तो हम भाई से मिलेंगे, ये अपने मसाइल बताएंगे कुछ भी। भाई, जैसे मैंने बताया है कि जब 1999 में जब हम सरगोधा गए तो वहाँ पर लोगों की बेटियाँ जो थी वो भी गुर्दे बेच रही थी, तो ऐसे क्या क्या मसाइल आपको यहाँ पे, किस तरह के मसाइल दरपेश है? जो बारिशा बुरशा पैदा कम बंद हो जाते हैं तो कम शाम एडा चलता नहीं, फिर मालिक के कोलो कर्जा कुर्जा लैके जो चढ़ जाता तो उदो फिर मुसीबत होंगी है। हाँ जी, टेंशन बनती फिर उदो, फिर लोग जड़े ने फिर अपने गुर्दे ही बेचते हैं। भाजी भाजी लोग ऐसे ने अपनी जगह तक भी बेच छड़ते हैं, तो ये होंगी मुसीबत, फिर परेशानी बनती। जब हमने कुछ साल पहले हमने देखा था एक जोड़े को वो जला दिया गया था भट्टे के अंदर ना, इस तरह के वाकयात भी देखने में आए कि जब कर्जे चढ़े होते हैं वो, और वो वहाँ से फिर उस कर्जे से जान छुड़ाने के लिए वो भागना चाहते हैं, तो वो उस भट्टे के मालिक ने उनको क्या किया कि वो जला दिया था उनको। क्या नाम था भाई फलकशीर उनका, अब मुझे नाम भूल गया, वो जो जोड़ा लाहौर के,
कोर्ट राधा किशन में वो भी आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा, फिर तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, या कुछ ऐसी फलाही तंजीमें के जैसे अब ये तंजीम हमारे पास आ रही है, इन्होंने वन टाइम फूड देना है। हम अक्सर देखते हैं कि राशन ऐसी चीज़ है कि ये तो लाना ही पड़ता है, ये अपने बजट के हिसाब से होता है। वन टाइम आप राशन लेकर आते हैं, वो एक महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक माह का ला सकते हैं, क्योंकि स्टोर तो हम लोग कर नहीं सकते। गर्मियों में तो वैसे ही आटे के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो इतने दिन का आटा भी नहीं हम जमा कर सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मेरी तो उनसे दरख्वास्त है जो लोग, या ऐसे जो सॉफ्ट हार्टेड लोग जो ये चैनल देख रहे हैं, या ऐसी कोई तंजीमें जो इन मज़दूरों के लिए काम करती हैं, तो इनको मुस्तकिल बुनियादों पे जो है इनको ऐसी हेल्प की ज़रूरत है, ताकि ये लोग भी जो है वो पेट भर के खाना खा सके। कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? असं यो ही कहेंगे भी जिन्हें ही मजदूर आ काम करते हैं भट्ठिया, तो उन्होंने हेल्प की जाए, भाएं उन्होंने कर्जे बारे तो भाएं कोई राशन बारे, जिमें भी हेल्प जी करनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये आप इतना सख्त काम करते हैं, तो जून जुलाई में अभी जो है हम अभी मार्च है और अभी ये 10 बजे हैं सुबह के, तो जून जुलाई में आप लोग कैसे भी, तब तो गर्मी जो है सुबह 6 बजे इतनी होती है, तब क्या सिचुएशन होती है आप लोगों की? उदो 3 बजे ना उठ के आई दा, रात को 3 बजे ना उठ के आई दा, तो फिर जी 10-11 बजे तक इटन कर लेने। तो रोशनी वगैरह क्या क्या सिस्टम देने में काम करते हैं? तो ऐसे जब देने में काम करते हैं दिन के टाइम, तो चलो कोई सांप कोई ऐसी चीज़ निकल आए तो बंदा देख लेता है, तो जब अंधेरे में जब सुबह 3 बजे आप आते हैं, अपनी नींद भी पूरी नहीं लेते, तो फिर ऐसी खतरनाक सिचुएशन से भी वास्ता पड़ता है कभी? नहीं अजे तक तो कोई नहीं पिया, खुदावन ने हफाजत की है। रात में 2-2 बजे भी आई दा, 3-3 बजे भी आई दा, बाई टाइम 12-12 बजे भी आई दा, ते अजे तक सानू खुदा ने ना कोई सप्प ना कोई कीड़ा कोई शायद नहीं खुदा ने सानू बचाई। हाँ जी, खुदा ने हफाजत की साड़ी। बहुत शुक्र है कि जब डेफिनेटली आप अपना वक्त जो है अपने खुदा को देते हैं, अपने रब को देते हैं, तो वो अपने लोगों के साथ होता है, वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। हम लोग टोबा टेक सिंह के एक और भट्टे पर आए हुए हैं, और यहाँ पे हम मुख्तलिफ जो मज़दूर हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, उनके मसाइल जान रहे हैं कि क्या हैं, ताकि इस चैनल के वसीले से अगर कोई इनकी किसी भी तरह से हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर करें। इनके ये जावेद भाई हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इनके क्या मसाइल होते हैं जब बारिशों में इनका काम बंद हो जाता है, या वैसे इनके क्या मसाइल है? ਭੱਠੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਬਾਬਰ।
ये बाबर भाई हैं, ये भी यहाँ पे काम करते। कितना अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 25 साल। 25 साल? आपके बाप दादा भी इधर ही काम करते थे? छुट्टी कराते। अच्छा, सही। तो इसका मतलब है कि आपकी नस्ल दर नस्ल आप लोग इधर ही काम करते हैं, भट्टा मजदूर हैं। और अभी तो क्या आपके यहाँ पे अब मसाइल हैं, जब काम बंद हो जाता है तो फिर कैसे आप सरवाइव करते हैं? ते कर्जा चुक के खाई दा वा, ते 5000 कटाई दा। सूद वगैरह भी लेते हैं? हाँ जी। सूद नहीं लेते? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੀ ਸਾੜ ਹਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੈਸੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ फ्लड के दिनों में तो पानी का फ्लड आता है, और आजकल जो है आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो महंगाई का सैलाब आया हुआ है, और इस महंगाई के सैलाब में मुस्तकिल बुनियादों पर इनको मदद की ज़रूरत है। व्यूअर्स, अभी हम ये एक और भट्टे पर आए हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। भाई आपका नाम क्या है? अरशद मसीह। अरशद मसीह। तो यहाँ पर आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? तकरीबन 9 साल। तो आपके जो बाप दादा थे वो भी भट्टे भी काम करते थे या फिर कोई और काम था उनका? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, यही सारे यही काम करते हैं। तो जब ये बरसात का मौसम होता है, या जैसे पिछले दिनों में पूरे पाकिस्तान 60% जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के वसाइल थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो उन दिनों में फिर आप लोगों की क्या सिचुएशन थी? बहुत मुश्किल पेश आई है, हमने बहुत मुश्किल पेश है, हमने तो जगह भी फरोख्त कर दी है, इतनी ज़्यादा टेंशन थी। तो जैसे कि आजकल जो बहुत ज़्यादा हर तरफ महंगाई का सैलाब आया हुआ है, तो जैसे कि आजकल महंगाई का सैलाब आया हुआ है हर तरफ, तो आप लोगों के क्या है इसमें, क्या जो मजदूरी मिलती है उससे सारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाती है? बहुत मुश्किल हो गई है जी, बहुत मुश्किल हो गई है। एक मेरा बेटा है, एक मैं हूँ, तकरीबन 6-7 हज़ार का काम करते हैं, घर में खर्चा 10 हज़ार का होता है, उससे क्या गुजारा होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा महंगाई ने बहुत कमर तोड़ दी है। बच्चों को कभी फ्रूट वगैरह भी लेके दिया कि नहीं? हफ्ते में एक बार कितने दाल आ गया तो लेनता नहीं, तो कोई नहीं। आप कुछ बताना चाहेंगे आपके मसाइल क्या हैं और अपना? आप मसाइल यही ने भाजी, बस
ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਭੱਠੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮਰ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਬਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੀਆਂ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 6 ਬੇਟੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਘੁਰਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਆਟਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਟਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਭੱਠੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾ, ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਜੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਆਜ ਹਮ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਪਾਸ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਲਾਹੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਜੋ ਭੱਠੇ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਥਾ, ਤੋ ਹਰ ਤਰਫ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਕਾਮ ਬੰਦ ਥਾ, ਤੋ ਉਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਹੀ ਸਾਰੇ ਤਾਸਰਾਤ ਅਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਹਮੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਆਪਕੋ 15 ਮਾਰਚ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫੂਡ ਦੇਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਂਗੇ, ਤੋ ਹਮ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਾਹਤੋਂ ਵਿਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਤੇ ਘਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਵਾ, ਬੇਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੀ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਆਪਕੋ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਰਫਾਨ। ਔਰ ਆਪਕੋ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ? ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਨ 20-22 ਸਾਲੋਂ ਕੇ ਅਰਸੇ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਆਪ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ?
ਮਸਲੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਆ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਤੇ ਭੱਟੇ 'ਚ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭਾਫੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਆਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੇ ਸਲਾਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਸਲਾਬ ਹੈ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਬ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਕੱਲ ਹਮ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਮੇਂ ਗਏ ਤੋ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ ਹਮੇ ਵੋ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਐਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਅਬ ਜਬ ਯੇ ਇਨ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਸੇ ਮਿਲਾ ਤੋ ਕਹਤਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਮਾਇੰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਐਸੇ ਕਭੀ ਆਪਕੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਕਿ ਅਬੂ ਆਜ ਮੈਨੇ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਐਪਲ ਖਾਣੇ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੋ ਵੋ ਕਭੀ ਬਰਥਡੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਿ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਰ ਫਾਰਸ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਣੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੇ ਪਾਸ ਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਲਗਾ ਸਕੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਜਬ ਹਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਇਨਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫੂਡ ਤੋ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਫੂਡ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਫੂਡ ਕੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੋ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੈਸੇ ਰਹਿ ਸਕੇਂਗੇ ਤੋ ਇਨਕੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋ ਸੇ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੇ ਲਈ ਇਨਕੇ ਲੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਥ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੇ ਜੋ ਜਬ ਪਤਨ ਸੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇ ਅਰਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸ਼ੋਰਟ ਵੇ ਸੇ ਮੈਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੋ ਔਰ ਕੁਛ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਭੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਕੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਸਹੀ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੇ ਉਧਰ ਲਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਉਧਰ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਸ ਕੇ ਕੋ ਰਕਸ਼ੇ ਕਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਤਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਕਾ ਕਿਰਾਇਆ 2000 ਰੁਪਇਆ 1500 ਰੁਪਏ 2000 ਰੁਪਇਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਜਾਣਾ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚਲੋ ਜੀ ਹਮ ਦੁਆ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਐਸੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ